नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां शपथ ग्रहण करते ही एक्टिव मोड पर दिखाई दिए असम के नए सीएम हिमांता बिस्वा शर्मा। सीएम का पद संभालते ही हिमांता बिस्वा ने एनआरसी पर कही अहम बात, जो है आपको बता दें सीएम बिस्वा ने सीमावर्ती इलाकों पर री वेरिफिकेशन की कही बात, जिसके बाद आपको बता दें कि एनआरसी को लेकर ये बड़े फैसले से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि असम के नए नवले फायर ब्रांड सीएम ने कुर्सी संभालते ही एनआरसी पर बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें इसके बाद से ही घुसपैठियों के लगातार होश उड़े हुए हैं। जी हां, आपको बता दें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा अब असम के नए मुख्यमंत्री बन गए, जिसके बाद आपको बताते चले कि सीएम बनने के तुरंत बाद ही सीएम ने असम में एनआरसी पर बोलते हुए बड़ा ऐलान करते हुए री वेरिफिकेशन करने की बात कही है, जिसके बाद से ही घुसपैठियों का समर्थन करने वाली ममता बनर्जी के लगातार होश उड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दे कि सीएम बनते ही हिमंता बिस्वा ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी और इस दौरान एनआरसी को लेकर सवाल पूछे जाने पर सीएम बिस्वा ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार असम के सीमावर्ती जिलों में 20% नामों और अन्य इलाकों में 10% नामों का पुनः सत्यापन यानी कि री वेरिफिकेशन चाहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बेहद नगण्य गलतियां पाई गई तब हम मौजूदा एनआरसी के साथ आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अगर व्यापक विसंगतियां हैं तो मुझे लगता है कि अदालत संज्ञान लेगी और नए दृष्टिकोण के साथ आगे का काम किया जाएगा। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम ने एक्टिव मोड पर आकर कई अहम बातें भी कही। इस दौरान आपको बता दें इसी कड़ी में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने के बीजेपी के आश्वासन के बारे में सवाल पूछे जाने पर शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि हर वादा पूरा करने के लिए किया गया है, उन्हें पूरा करने के लिए जो भी संभव होगा हम करेंगे और प्रदेश के हित में लगातार काम किया जाएगा। इसके अलावा असम के नए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में प्रदेश को देश के शीर्ष 5 राज्यों में से एक बनाना है। शर्मा ने यह भी कहा कि असम में दूसरी बार बनी बीजेपी की सरकार का मुख्य ध्यान कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने, सभी वादों को पूरा करने और राज्य को वार्षिक बाढ़ के संकट से मुक्त कराने पर है। उन्होंने कहा कि असम में कोविड-19 की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, हमारे यहाँ दैनिक मामलों की संख्या 5,000 के पार पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि जब तक असम में महामारी नियंत्रण में नहीं आएगी पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी मामले कम नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से आपको बता दे कि फायर ब्रांड नेता ने एक के बाद एक तमाम बड़ी बातें यहाँ पर कही है और इसके साथ ही शर्मा ने राज्य में शांति के लिए विद्रोही गुटों खासकर उल्फा आई से हथियार डालकर मुख्य धारा का हिस्सा बनने का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मैं परेश बरुआ से अनुरोध करता हूं कि बातचीत की मेज पर आए और मुद्दों को सुलझाया जाए, अपहरण और हत्याओं से समस्याओं जटिल बनती हैं और सुलझती नहीं है, इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम अगले 5 सालों में भूमिगत विद्रोहियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार कर लेंगे। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से असम में लगातार घुसपैठियों का संरक्षण अब तक दिखाई पड़ रहा था और जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां जो असम में और बंगाल में हर बार देखने को मिलती हैं, इसको लेकर आपको बताते चले कि कुर्सी संभालते ही साफ तौर पर सीएम बिस्वा ने अमन चैन के लिए साफ तौर पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें ममता बनर्जी को यहाँ पर साफ तौर पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों ममता बनर्जी असम में घुसपैठियों के साथ मुलाकात करती और उनका सुख दुख बांटती हुई दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से असम में री वेरिफिकेशन के बाद घुसपैठियों का जो सफाया तय हो जाएगा, ऐसे में अब ममता बनर्जी की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार बंगाल में भी सीए और एनआरसी को ना लागू करने की बातें कहती सुनाई पड़ती हैं। अब आपको बताते चले कि एक्शन मोड में आए सीएम बिस्वा ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अब वापस से री वेरिफिकेशन किया जाएगा और लगातार जो अवैध तरीके से असम में लगातार लंबे समय से फर्जी दस्तावेजों के साथ जो असम में रह रहे हैं उनको अपने देश वापस जाना होगा, जिसको लेकर आपको बताते चले कि ममता बनर्जी के होश इसीलिए उड़े हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से बंगाल और असम के बॉर्डर से जो लगातार घुसपैठियों की आवाजाही लगातार जारी रहती है, इसको लेकर ममता बनर्जी लगातार
सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए जिस तरीके से संरक्षण इनको देती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि बीजेपी के ताबड़तोड़ एक्शन में आते हुए सीएम बिस्वा ने साफ तौर पर यह बड़ा ऐलान कर दिया है। और अब जल्द ही आपको बता दें कि असम में अब वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो तमाम घुसपैठिए अब तक सिर्फ और सिर्फ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर असम में रह रहे हैं उन्हें देश छोड़कर बाहर जाना होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार तमाम वामपंथी लोग जिस तरीके से सीए और एनआरसी को लेकर विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन आपको बताते चले कि बीजेपी राष्ट्रहित में लगातार एक के बाद एक बड़े कदम जरूर बढ़ा रही हो, लेकिन जिस तरीके से तमाम विपक्षों की जो हमने बौखलाहट पिछले दिनों देखी थी, फिर चाहे इसमें सजल इमाम का ही नाम क्यों ना सामने आए, क्योंकि जिस तरीके से सजल इमाम ने भी लगातार सीए और एनआरसी को लेकर जिस तरीके से भड़काऊ लगातार भाषण वो देता दिखाई पड़ रहा था और असम को हिंदुस्तान से अलग देश बनाने की लगातार जो बात करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि असम के फायर ब्रांड सीएम हिमांता बिस्वा की कार्रवाई के बाद तमाम घुसपैठिए ही अब हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चले जाएंगे और वहां पर अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि आज सीएम बनने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के बाद जिस तरीके से तुरंत एक्शन में आते हुए सीएम बिस्वा दिखाई पड़े हैं, यह साफ तौर पर इशारा करता है कि अब तक जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार लोकतंत्र की हत्या की जाती थी, जिस तरीके से लगातार आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया जाता था, लेकिन अब आपको बताते चले कि उन सब पर विराम लगा दिया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर जो सीएम बिस्वा है उनकी एक अपनी ही अलग पहचान मानी जाती है, जिस तरीके से लगातार लंबा उन्हें अनुभव है और जो ताबड़तोड़ काम इससे पहले वो लगातार करते हुए आए हैं और उसी को देखते हुए आपको बता दें, हालांकि बीजेपी ने असम के मुखिया के तौर पर सीएम बिस्वा को चुना है और अब जिसके जिसको जिसको लेकर तुरंत ही आपको बता दें कि एक्शन मोड में आते हुए सीएम बिस्वा ने बड़ा ऐलान किया है। हालांकि इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम सीमावर्ती जिलों में एनआरसी की सूची में 20% का नाम और अन्य क्षेत्रों में 10% असम के तमाम इलाकों में आपको बता दें कि सर्वेक्षण करेंगे, रीवेरिफिकेशन किया जाए, जो कि वाकई अपने आप में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला है। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लोग साफ तौर पर ममता बनर्जी को इससे जोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बंगाल का खेला अब से असम में खेला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो HBS से उम्मीदें थी वो आसमान में है, तो लोग तमाम तरह की बातें अपनी प्रतिक्रियाएं रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोग ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इस NRC समय की जरूरत है और वेस्ट बंगाल पर नजर डालें तो गुंडे हिंदुओं पर लगातार हमला कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार नरसंहार की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के संरक्षित गुंडे खुलेआम जाकर घरों पर आग लगा दे रहे हैं, खुलेआम महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है। और अगर वाकई आपको बताते चले कि NRC लागू होता है देश के अलग अलग राज्यों में, तो जो तस्वीरें लगातार नरसंहार की अलग अलग राज्यों से लगातार सामने आती है खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो वो फर्जी लोग जो खुद को तथाकथित हिंदू बताते हैं लेकिन खुद ही हिंदुओं पर कैसे अत्याचार करते हैं, इसकी तस्वीरें हमने असम में भी देखी, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आए दिन देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बताते चले कि इससे ममता बनर्जी को बड़ा झटका साफ तौर पर लगना तय है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का जो तांडव हो रहा है उस पर कंट्रोल करने की बजाय जिस तरीके से राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रही, साफ तौर पर बड़ा इशारा करता है कि इसी दिन के लिए ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने घुसपैठियों को, अपने रोहिंग्या मुसलमानों को इस दिन के लिए बना के रखा हुआ था। लेकिन इसी कड़ी में जो लगातार असम से आपको बता दे बांग्लादेश से लगातार जो तमाम घुसपैठिए हमारी भारत की सरजमी पर घुसकर तमाम तरह की गतिविधियां करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब इन पर विराम लगाने का वक्त आ चुका है। हालांकि आपको बता दे कि जम्मू कश्मीर में भी जिस तरीके से लगातार आपको बता दे रोहिंग्या मुसलमानों पर लगातार शिकंजा कसने का काम मोदी सरकार की ओर से किया गया था, जिसमें हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि कैसे लगातार जो फर्जी दस्तावेज लेकर वहां पर लोग बैठे हुए हैं उन्हें शेल्टर होम में डाला गया है और जिस तरीके से वेरिफिकेशन जो तमाम तरह से किया जा रहा है बहुत कड़ी निगरानी में, और उसी का असर आपको बता दें कि अब बहुत जल्द असम में भी देखा जाएगा, जिसको लेकर अभी साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द जिस तरीके से असम में तमाम वो घुसपैठिए, तमाम वो रोहिंग्या
मुसलमान जो सिर्फ और सिर्फ असम वासियों की अमन चैन को छीनने में लगे हुए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जो वामपंथी लोग काम कर रहे हैं, तमाम घुसपैठी जो इस पर काम करें, इस पर लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से एक्शन मोड पर सीएम मिश्रा आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाकई वानगी है कि किस तरीके से बीजेपी के नेता काम करते हैं। हालांकि जिस तरीके से ममता बनर्जी को इस समय बंगाल में जो क्राइम लगातार चल रहा है, जो अपराध लगातार चल रहा है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके लगातार ममता बनर्जी झूठी बातें कहती हुई दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन ठीक इसी के उलट अगर हम असम की बात करें तो किस तरीके से लगातार असम के मुखिया ने अपना पद संभालते ही जो प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो बड़ा फैसला किया, ये वाकई सराहनीय है। और इसको लेकर आप क्या अपनी सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।